हर साल हम सभी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि आज ही के दिन भारत के आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 में कलकत्ता में हुआ था। इनके कार्यों को प्रसिद्धि उस समय मिली जब इन्होंने अमेरिका के शिकागो में होने वाले विश्व धर्म संसद में 11 सितंबर 1893 को एक भाषण दिया और प्रारंभ में इस धर्म संसद में इन्हें बोलने की अनुमति ही नहीं दी गई। इनको कहा गया कि समय पूरा हो गया है और अब आप नहीं बोल सकते, लेकिन इनके रिक्वेस्ट करने पर उन्हें केवल दो मिनट बोलने की अनुमति दी गई। और जब इन्होंने अपनी स्पीच शुरू की कि अमेरिका के भाइयों और बहनों, और उसके बाद तो पूरी धर्म संसद तालियों की आवाज से गूंज उठी और इन्होंने अपनी स्पीच को आगे जारी रखा और अपनी स्पीच के माध्यम से इन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय अध्यात्म के बारे में दुनिया को बताया और भारत को, हिंदू धर्म को एक नई पहचान दिलाई। इन्हीं के जीवन से जुड़ी एक रोचक कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ। एक बार जब एक अंग्रेज प्रोफेसर ने भारतीयों को नीचा दिखाने का प्रयास किया और जिस समय वह खाना खा रहा था उसी समय स्वामी विवेकानंद जी उसके पास आके खाना खाने लगे। इस पर उस अंग्रेज प्रोफेसर ने कहा कि यह कैसे हो सकता है कि एक सुअर और एक पक्षी साथ बैठकर खाना खाए। तब स्वामी विवेकानंद जी ने बड़े ही चतुराई से उत्तर दिया कि महोदय जी, आप चिंता ना करिए, मैं उड़ जाऊंगा। और वहां से उठकर दूसरी जगह जाकर इन्होंने अपना भोजन किया। इस पर अंग्रेज अधिकारी और गुस्सा हो गया कि इसने मुझे सुअर के समान बना दिया। तब इसने बदला लेने का फिर प्रयास किया और एग्जाम की कॉपी चेक करने के बाद उस पर इडियट लिखकर स्वामी विवेकानंद को दे दी, जिस पर स्वामी विवेकानंद जी कुछ समय के बाद कॉपी लेकर प्रोफेसर के पास आए और कहा, मिस्टर पीटर, आपने मेरी कॉपी पर अपने सिग्नेचर तो कर दिए हैं लेकिन मुझे मार्क्स या ग्रेड तो दिए ही नहीं। इस पर अंग्रेज प्रोफेसर और भी गुस्सा हो गया और उसने पुनः बदला लेने की सोची। इस बार उसने स्वामी विवेकानंद जी को क्लास में खड़ा करके पूछा और कहा कि एक बात बताओ, तुम किसी रास्ते से जा रहे हो और तुम्हें उस रास्ते पर दो बैग भरे हुए मिलते हैं, एक बैग में ज्ञान भरा हुआ है तो दूसरे बैग में बहुत सारा पैसा भरा हुआ है, और तुम इसमें से कौन सा बैग उठाओगे। इस पर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि सर, मैं पैसों से भरा बैग उठाऊंगा। इस पर प्रोफेसर हंसने लगा और कहा कि मैं तुम्हारी जगह होता तब मैं ज्ञान से भरा हुआ बैग उठाता। इस पर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि सर, ऐसा है कि जिस व्यक्ति के पास जो चीज नहीं होती है वही वस्तु वह लेता है। इस पर पुनः उस अंग्रेज प्रोफेसर को शर्मिंदा होना पड़ा और इस तरीके से स्वामी विवेकानंद जी ने एक अंग्रेज प्रोफेसर को सबक सिखाया। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तब हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियां ज्ञान पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।